अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची से मैं राना मेहताब नासिर और हमारे साथ मौजूद है राना हारिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हारिस भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पैरागोन की ऑन साइड लोकेशन के ऊपर। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं टावर ए, जिसको 18 मार्च को पोजेशन मिलने जा रहा है। इसके अंदर जो अपार्टमेंट है उसके जो अगर आप परचेज करना चाहते हैं उसका क्या प्रोसीजर होगा और कितने स्क्वेयर फीट के ये हैं और ग्राउंड प्लस कितने की ये बिल्डिंग है, सारी चीज़ें आज हम हारिस भाई से पूछेंगे और इसका कंपैरिजन करवाएंगे हारिस भाई से हम प्रीसेंट 19 के साथ और बैरिया हाइट्स के साथ, क्योंकि वहाँ भी 2 बेड अपार्टमेंट दिए गए हैं। तो जी हारिस भाई, सबसे पहले हमें बताएँ कि इसको पोजेशन कब मिलने जा रहा है और इसमें साइज़ क्या हैं और इसमें फ्लोर प्लान वगैरह क्या दिया गया है। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए पैरागोन इट्स अ बिग नेम, ये बड़े बड़े नामों में इनका शुमार होता है और बहरिया टाउन कराची के अंदर ये बड़े बड़े जो हैं वो प्रोजेक्ट बना भी रहा है, बना के डिलीवर भी कर चुका है। जैसे लंदन ब्रिज हो गया, हमारा जो क्रिकेट स्टेडियम है ये वो इन्होंने बनाया है, स्पोर्ट्स सिटी विलास 10-11 ए के विलास, और जितनी भी गैलरीज बनी हुई हैं प्रिसेंट के अंदर, प्रिसेंट 2 के अंदर या प्रिसेंट 19 के अंदर, तो इन्होंने बनाई है। आगे भी फर्दर बड़े प्रोजेक्ट इन्हीं के पास हैं। तो ये पैरागोन अपार्टमेंट्स, ये इनको कंस्ट्रक्शन भी खुद कर रहे हैं और मार्केटिंग भी इनकी खुद कर रहे हैं। हम एज अ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर PPL के पैनल से इनकी मार्केटिंग करने आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑथेंटिक क्रेडिबल बिल्डर्स की हमेशा जो है वो मार्केटिंग की है जो बना के डिलीवर करें। तो मेरे बिल्कुल सामने टावर है, बिल्कुल रेडी है। इसमें साइजेज जो हैं वो तकरीबन 1400 स्क्वेयर फीट, जो मुझे पसंद आया कि इनके साइजेज बहुत आउट क्लास है। पिसन 19 में आप देखें 950 स्क्वेयर फीट है, बैरिया हाइट्स में आपको 1100 स्क्वेयर फीट के एरियाज मिलते हैं, तो साइजेस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 1400 स्क्वेयर फीट मैं समझता हूँ इट्स अ बिग ह्यूज जो है वो साइज़ है। और यहाँ पे कमरे जो रूम्स होंगे वो बड़े होंगे, आपका डाइनिंग होगा, यहाँ पे बाथ जो है वो 3 बाथ दिए गए हैं और आपको एक जो है वो ओपन किचन मिलता है, 2 रूम मिलते हैं, तो डाइनिंग बहुत बड़ा है, एरिया बनता है। दूसरा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स दी गई हैं 350-450 स्क्वेयर फीट के अराउंड, इसके साइजेस होंगे डिफरेंट साइजेस की ये शॉप्स हैं और लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है मेहताब भाई है। आप मेन गेट से जब अंदर आते हैं तकरीबन हार्डली आपको जब पैराडाइज की तरफ आप आते हैं तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस आप तय करें तो आप अपनी लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। ठीक है। अच्छा हारिस भाई, इसके कंपाउंड में पार्क फेस वगैरह जैसे बैरिया हाइट्स में दिया गया सेंटर पार्क उन्होंने दिया है, इसके अंदर भी दिया गया और ये ग्राउंड प्लस कितने की ये बिल्डिंग है और इसमें हमें जो अपार्टमेंट मिलेंगे वो लिमिटेड ऑप्शन है या बहुत ज़्यादा तादाद में ऑप्शन हमारे पास मौजूद है और उनमें क्या होगा, क्योंकि सुनने में आया ये चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे भी दे रहे हैं कुछ इसके अंदर रह के, तो ये सारी चीज़ें भी ज़रा नाज़ देखें। सबसे जो मुझे इसकी अच्छी चीज़ ये लगी है कि 50% टोटल अमाउंट XYZ वो जो भी है टोटल अमाउंट आप 50% आप दें उनको और 50% अपने घर में बैठ के दें, ठीक है, ये बहुत प्लस पॉइंट है। और नाज़रीन को समझना चाहिए कि इस तरह की लोकेशन के ऊपर इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है वो ज़रूर अवेल करनी चाहिए कि 50% आप टोटल अमाउंट का पे करके अपने घर के मालिक बन जाते हैं, आपको चाबियां हैंड ओवर कर दी जाती हैं, बाकी का 50% आप अपने घर में बैठ के दें, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। देखिए पार्क की बात करता चलें तो ये 4 टावर्स हैं A, B, C और D, इन 4 टावर्स के दरमियान में, मेरा ये कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इसके दरमियान में बिल्कुल पार्क दिया गया है, बड़ा अच्छा खूबसूरत। यहाँ पे बच्चों का प्ले लैंड बनाया जाएगा अलग से, इसका जिम होगा और यहाँ पे जो सबसे महताब भाई मुझे अच्छी चीज़ लगी है ये गेटेड कम्युनिटी बनने जा रही है, ठीक है, जिसकी जरूरत है अभी, इसकी जरूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरत है। देखिए एक दो चीज़ें हमने सुनी है कि यहाँ पे 2-3 ऐसी इंसिडेंट हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, ठीक है, और यहाँ पे गेट बन गया है और गेट आपको पता है इंटर एग्जिट यहीं से होगी, ठीक है, और कोई भी बंदा 11 मुतलका बंदा रात के या दिन के टाइम वो बगैर इजाजत बगैर परमिशन अंदर नहीं इन हो सकेगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे भी पर्सनली ये चीज़ अच्छी लगी है क्योंकि इसकी चारों साइड पे ये देंगे बाउंड्री वॉल और जो कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं कराची के हालात हैं तो जाहरी बात है इतनी बड़ी सोसाइटी है तो उसको कवर करने में जरा टाइम तो लगेगा। प्रिसन 19 में इस तरह का गेट नहीं बना, जी जी ऐसे दूसरा आप देख लें हाइट्स के अंदर इस तरह की एग्जिट नहीं दी गई, पैरागोन वालों ने दी है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रांड है अलग से ये काम कर रहा है, अपने टर्म एंड कंडीशन पे ये काम करता है, इन्होंने गेट ही इसलिए बनाया है कि हम 11 मुतलका बंदे को ना अंदर दाखिल होने देंगे ना बाहर निकलने। ठीक है हारिस भाई, बहुत शुक्रिया इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर नाज़रीन आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर रेडी अपार्टमेंट 50% अमाउंट दे के बाकी का 50% अपने घर के अंदर रह के
पे करना चाहते हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल इंजॉय करना चाहते हैं तो ये अपार्टमेंट हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन में मौजूद है। आप हमारे साथ रब्ता करके ये अपार्टमेंट अवेल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।